गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज मैं मैथ्स में आपको एक्सपेंडेड फॉर्म बताऊंगी। एक्सपेंडेड फॉर्म मीन्स क्या होता है बेटा? किसी भी नंबर को बड़ा करना। यहाँ पर मैंने कुछ नंबर राइट किया है, आप लोगों ने इसे पहले भी पढ़ा था, लेकिन वो 2 डिजिट का नंबर था। आज मैं आपको 3 डिजिट के नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म बताने जा रही हूँ। आप लोगों ने प्लेस वैल्यू में पढ़ा है ना, वंस, टेंस एंड 100 प्लेस। यहाँ 113 क्या राइट है? 113। इसमें आप देख रहे हो 3 जो है वंस प्लेस का डिजिट है, और यहाँ बीच में 1 जो राइट है ये टेंस प्लेस का है, और यहाँ पे 1 जो राइट है वो 100 प्लेस का है। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम 100 प्लेस पे देखेंगे। 100, 1 जो 100 प्लेस पे है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 100। आपको यहाँ 100 राइट करना है, प्लस का साइन राइट करोगे। नेक्स्ट आप टेंस प्लेस पे देख रहे हो, कौन सा डिजिट है? 1। 1 टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा? 10। आप यहाँ क्या करोगे? प्लस 10। प्लस वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट है? 3। हम यहाँ पर 3 राइट करेंगे। 113, 113 का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगा? 100 प्लस 10 प्लस 3। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 165। यहाँ पर आप देख रहे हो 100 प्लेस पे कौन सा नंबर है? 1। 100 यहाँ पर आप राइट करोगे। नेक्स्ट टेंस प्लेस पे देखेंगे, कौन सा डिजिट दिख रहा है? 6। 6 टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा? 60। हम यहाँ पर 60 राइट करेंगे। नेक्स्ट वंस प्लेस 5। आप देख रहे हो बेटा 100 प्लेस के डिजिट के साथ हमको 100 राइट करना है, टेंस प्लेस के डिजिट का जो वैल्यू होगा प्लस करके हम उसे राइट करेंगे, और वंस प्लेस पे जो डिजिट है प्लस करके उस नंबर को हम राइट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 135, 135। 100 प्लेस पे कौन सा डिजिट है? 1। हम यहाँ क्या राइट करेंगे? 100 प्लस टेंस प्लेस पे कौन सा डिजिट है? 3। 3 टेंस का वैल्यू क्या होगा? 30 प्लस वंस प्लेस पे जो डिजिट है 5, वंस का वैल्यू 5। 135 का एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा आपका 100 प्लस 30 प्लस 5। नेक्स्ट नंबर 186, 186। यहाँ पर आप देख रहे हो 100 प्लेस पे कौन सा डिजिट है? 1। 100 प्लस टेंस प्लेस पे 8 टेंस, 8 टेंस का वैल्यू क्या होता है? 80। एंड 6 वंस प्लस 6। नेक्स्ट नंबर 172, 172। 100 प्लेस पे कौन सा डिजिट है? 1। 100 प्लस टेंस प्लेस पे आप देख रहे हो यहाँ पे कौन सा नंबर राइट है? 7। 7 टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा? 70। एंड 2 वंस प्लस 2। अब सबको समझ में आ रही है ना? नेक्स्ट नंबर है 193, 193। आप यहाँ देख रहे हो 100 प्लेस पे कौन सा है? 100। उसका वैल्यू 100 प्लस 9 टेंस, 9 टेंस का वैल्यू 90 प्लस 3 वंस, 3 वंस का वैल्यू क्या होगा? 3। नेक्स्ट नंबर 138, 100 प्लेस पे कौन सा डिजिट दिख रहा है? 1। 100
कैसे राइट करोगे, 100 100 प्लस का साइन लगाना है। नेक्स्ट नंबर टेंस प्लेस पे आप देख रहे हो 3 टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, 30 30 प्लस 8 ones का वैल्यू a। नेक्स्ट नंबर 161 161, यहाँ पर देखिए इसे हम कैसे राइट करेंगे, 100 प्लस 6 tens, 6 tens इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 60 60 प्लस 1 ones का वैल्यू 1, आपको यहाँ पर 1 राइट करना है। नेक्स्ट नंबर है 154 154, आप यहाँ क्या राइट करोगे, 100 प्लस टेंस प्लेस पर आप कौन सा डिजिट देख रहे हो, 5 5 tens का वैल्यू क्या हो जाएगा, 50 प्लस 4 ones का वैल्यू 4, आप यहाँ पर क्या राइट करेंगे, 4। नेक्स्ट नंबर है 123 123, वंस यहाँ पे 1 जो आप देख रहे हो किस प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 100 प्लस 2 tens का वैल्यू 20 प्लस 3 ones का वैल्यू 3, आप यहाँ क्या राइट करेंगे, 3। 123 का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगा, 100 प्लस 20 प्लस 3, आप सबको समझ में आ गई ना। अब मैं होमवर्क में कुछ नंबर आपको देने जा रही हूँ, उसे आप नेक्स्ट पेज में मैथ्स की कॉपी में अच्छे से राइट करोगे, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा है 146 146, इसको हम कैसे राइट करेंगे, 100 प्लस 4 tens का वैल्यू 40 प्लस 6, और नीचे जो नंबर दिए गए हैं उसे आप खुद से अच्छे से करोगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।